मबिर कल्ला सम गफिल कर दिया तुमको गफलत में इग्नोरेंस में डाल दिया तुमको तकासुर ने दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत हासिल करने और कसरत जमा करने और कसरत में लोगों से आगे निकलने के शौक़ ने तुम्हें गाफिल कर दिया यहाँ तक कि तुम कबरों को जा पहुँचोगे आप ने फरमाया फरमायाबन आदम का हाल ये है कि अगर उसके पास दो वादियाँ भी सोने की हों तो वो चाहेगा कि तीसरी मजीद हो ऐबन आदम तेरा मुंह तो कबर की मट्टी ही भरेगी कबर एक अटल हकीकत है कबर वो जगह जिसको हम अपनी आंखों से देख चुके हैं अपने हाथों से छू चुके हैं अपने प्यारों को उनके हवाले कर चुके हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबर के सरहाने बैठे आंखों से आंसू जारी थे कबर की मट्टी आंसुओं से तर थी और आप फरमा रहे थे भाइयों इसकी कुछ तैयारी कर लो आपने फरमाया इस रूए ज़मीन पर मैंने कबर से ज़्यादा हेबतनाक जगह नहीं देखी ये मट्टी का घर है ये कीड़ों का घर है नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो क़र के आवाज़ अजाब की आवाज़ें सुनाई गईं और आपने अपनी सच्ची ज़बान के साथ बुखारी की हादीस में उसका तस्करा भी फ़रमाया आप सल्ला वम ने फ़रमाया कि अगर मुझे ये खौफ ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से ये दरख्वास करता कि लोगों को अजाब क़बर की आवाज़ें सुनाई जाएँ और हदीस ने यह भी बताया कि अजाफ़ कब्र की आवाज़ों को इंसान और जिनों के अलावा बाकी सब मखलूक सुनती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्र की आसानी की दुआएं सिखाई हैं और यह भी बता दिया है कि कुछ लोगों की कब्र रऊज़तल जन्ना जन्नत के बागों में से बाघ बन जाएगी और कुछ लोगों की कबर जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाएगी अलहमल् तजल्मा हम ये दुआएं याद करें लोगों को सिखाएं ख़ुद भी सीखें पढ़ें और पढ़ाएं। छोटी सी दुआ के अल्फाज हैं अल्लान कबरी, कब्री आनस वाहशति कबरी मा आने स्वाशति क़बरी एक और दुआ में आपने पनाह माँगी अज़ाब क़बर से इन अल्फ़ में अल्लाउ ुबिका मिन अजाबल क़बरी व आऊ ुबुबिका मिन फित निल मसीह दाल वाऊ ज़ुबिका मिन फिना तिल माहिया व ममाति इस दुआ के बिल्कुल शुरू में आपने कब्र के अजाब से पनाह मांगी है और आपने मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है और ज़िंदगी और मौत के फितने से पनाह मांगी है अल्लामा न्याू जुबिका मिन अज़ाबिल अज़ाबिल व व अज़ाबिल मीज़ान पना तो कपिल्मन्ना